हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वॉल हैंगिंग, वो भी बर्ड्स हाउस के शेप में। इसके लिए हमने दफ्ती को कट कर लिया है और उस पर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस को अटैच करके हाउस का शेप दे रहे हैं। इसमें हम विंडो और जो है डोर भी अटैच कर रहे हैं। इस तरह से आप फेविकोल से या ग्लू गन से इसको चिपका के रेडी कर लीजिए। उसके बाद फेविकोल और वाटर का घोल लेके टिश्यू पेपर को हमको इस पे लगाना है, जिससे जो इसके कॉर्नर है और साइड साइड की दफ्ती है जो इक्वल नहीं है, वो थोड़ा क्लीन लुक में आ जाए। ड्राई होने के बाद ये एकदम क्लीन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने पीओपी लिया है। पीओपी में वाटर मिक्स करके हम इसका एक घोल तैयार कर रहे हैं, पेस्ट तैयार कर रहे हैं। और इस पेस्ट को हम अपने जो हम वॉल हैंगिंग बना रहे हैं उस पर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने घोल लगा लिया है पीओपी का। अब जहाँ पे हमको हल्की सी मतलब इस तरह से डिजाइन चाहिए थी, वहां से हम माचिस की तीली या कोई भी लकड़ी लेके उसको पीओपी के घोल में ही डिजाइन गीला है तभी से दे दे रहे हैं। हमको इस तरह से इस पे लाइनिंग चाहिए होती थी, इसलिए मैंने माचिस के तीली से उसको हटा के एक डिजाइन क्रिएट कर लिया। अब हमने लिया है फैब्रिकल का जो है एयर टाइट क्ले, और उससे हम विंडो और डोर के पास एक लाइन बना रहे हैं। वैसे आप बिना इसके भी बना सकते हैं, हम आपको दिखा देंगे। एक हम बिना क्ले यूज किए भी बनाएंगे और दो में हम क्ले यूज कर रहे हैं। सिंपली हमने फेविकल का एयर डाई क्ले लिया है, मोल्डेड क्ले, और उसी से लंबी लंबी स्टिक्स जैसी बना के और उसको कॉर्नर इस तरह से लगा रहे हैं। इससे थोड़ा 3D लुक आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से लगा रहे हैं। अब हमारे पास बटरफ्लाई शेप का ये कटर पड़ा हुआ है, इससे हम एक दो बटरफ्लाई कट करेंगे और इस पे लगाएंगे। आप चाहे तो छोटे छोटे फ्लावर बना सकते हैं। इसको मैं इस तरह से रख रही हूँ जिससे इसके पंख थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं वो जाएँ। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हम इस पर फेविकोल के थ्रू चिपका देंगे। जो क्ले हमने लगाया था उस पर हम ऐसा थोड़ा सा किसी भी चीज़ से डिज़ाइन देते जा रहे हैं। देखिए, हमने माचिस की तीली से और ये अपना जो पेपर कटर है उससे थोड़ा सा दे दिया। हमारा बटरफ्लाई भी सूख गया है, तो अब उसको इस तरह से हम फेविकोल से हमको जहाँ चाहिए वहाँ पे लगा दे रहे हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे फ्लावर भी लगा सकते हैं, हमने बटरफ्लाई लगाया है। इसमें हम जो भी कलर यूज़ करेंगे वो एक्रेलिक कलर होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से येलो कलर यूज कर रहे हैं हम। पहले विंडो और डोर पे हम ब्राउन कलर यूज कर रहे हैं। ऊपर हमने रेड कलर यूज किया है, ऊपर और नीचे के लिए। जो क्ले का वर्क किया है उस पे हमने ब्लैक कलर किया। बटरफ्लाई को हम दो कलर से कलर कर रहे हैं सेट देके। आप देख सकते हैं ब्लू और येलो और ब्लू और पिंक का मैंने सेट दिया है। हल्का सा डस्ट कलर देके हमने जहाँ पे ब्लैक कलर दिया है वहां पे उसको टच कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा एंटीक लुक आ जाए और देखने में अच्छा लगे। इसके बाद हमने 3D कोन लिया है पिंक कलर का, उससे थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन दे रहे हैं। क्योंकि दिवाली का समय है तो ट्रेडिशनल लुक अच्छा लगेगा वॉल पे, उस हिसाब से मैंने इसको इस तरह से रेडी कर लिया। इसी तरह अपने पसंद के कलर से, अपनी पसंद के हिसाब से आप कलर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ब्लू कलर लिया, ब्राउन कलर, और अब विंडो और डोर पे मैं येल्लो कलर यूज कर रही हूँ।
क्ले वर्क पे मैं फिर से ब्लैक कलर कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं दो कलर से बटरफ्लाई को कलर कर रही हूँ, येलो और पिंक मैंने लिया है। ब्लैक कलर पे मैं थोड़ा सा सिल्वर का टच दे रही हूँ। फिर से मैंने कोन लेके इस पर थोड़ा सा वर्क कर दिया। आप कलर से भी कर सकते हैं, 3D कोन से भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। इसे थोड़ा जो है एंटिक लुक आता है तो अच्छा लगता है। अब आप देखिए कि बिना क्ले वर्क के भी मैं एक होम को कलर कर रही हूँ। सिंपली एक्रेलिक कलर मैंने पिंक कलर का किया है, क्योंकि पहले से ही हमने इस पे डोर और विंडो को पेस्ट किया है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्ले वर्क कीजिए, ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। डोर और विंडो पे मैंने येलो कलर किया, ऊपर मैंने ब्लू कलर लिया, और अब ये 3D कोन लाइनर है, इससे हमें डोर और विंडो के किनारे लाइनिंग दूंगी डोर और विंडो का लुक देने के लिए, आप देख सकते हैं। फिर मैंने एक और कलर लेके नीचे से थोड़ी सी डिजाइन बना दी। आप अपने हिसाब से डिजाइन दे सकते हैं। पीछे मैंने क्ले से लगा के थोड़ा सा उसमें लटकाने के लिए वुल लगाया है। आप उसमें कोई भी ऐसी चीज लगा सकते हैं जिससे हम इसको हुक कर सके या फिर लटकन में भी लटका सके। अब हम इसको कहीं भी डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।